रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया? ओए पप्पू, लड़की वालों को तेरी जगह क्या बिल्ली पसंद आ गई? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है, सॉरी। मैंने बोला ना कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि बिल्ली की वजह से तेरा रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया। अरे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन उस बिल्ली ने उनका रास्ता काट के मेरा पत्ता साफ कर दिया। लड़की वाले मुझे बिना मिले, बिना देखे लौट गए। ठीक है पौडेल, इसमें आत्माराम का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा नसीब का है। मतलब वो बिल्ली का गलती है। ओए पप्पू, तो तू बिल्ली से जाके इस्तीफा लेना। सो रोशन कई पन बोले छे, बिल्ली नौकरी थोड़ना करती की वस्तु पाने। ओए मेरी पोली पार्सल, मैं ते मजाक कर रही थी। ओ पप्पू तू आगे बोल। अय्यर भाई, गलती बिल्ली की नहीं भीड़े की है। भीड़े उस बिल्ली को सोसाइटी के बाहर नहीं निकाल पाया है, इसलिए भिड़े तू इस पर साइन कर और अपना इस्तीफा दे। आज तेरा इस्तीफा लिए बिना मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे अरे क्या फालतू बात के लिए इस्तीफा मांग रहे हो पोपटलाल? कल को सोसाइटी में कबूतर आएंगे, चूहे आएंगे, तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? अरे ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। बराबर बराबर बोल रहे भिड़े। देखो पापड़ा लाल, आत्माराम बहुत रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी है। अभी सोसाइटी में कुत्ता बिल्ली या चूहा आता है तो उसके लिए आत्माराम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही बात है। हाँ, वो पोपट भी उठता उठता आ गया था, उसके लिए भी ये थोड़ा वो कुछ कर सकता है। जेठालाल, ओ पोपट लाल, ये बिल्ली बिल्ली के हमें इस्तीफा नहीं देने वाला। अरे पोपट भाई, भीड़े भाई बिल्ली को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज तक है जो, लेकिन वो हाथ में तो नहीं आई ना। तू इस पर साइन कर और इस्तीफा दे। अरे वो जानवर है जानवर, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाली भाई। वो मुझे नहीं पता, या तो बिल्ली चाहिए या तो शादी के लिए लड़की, दोनों में से एक ढूंढ के देनी पड़ेगी। अगर दोनों नहीं मिली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूँ क्या? लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूँ। आता बराबर बोलना। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ किसी भी लड़के का रहना मुश्किल ही है। ये जस्ट बोल रहा भाई। क्या भिड़े, अब तो मैं तेरा इस्तीफा लेकर आऊंगा। तू साइन कर। मैं नहीं करूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। बोला ना, नहीं देगा ना? नहीं। ठीक है, जब तक तू साइन करके अपना इस्तीफा नहीं दे देता तब तक मैं पत्रकार पोपटलाल यहीं बैठ कर तेरे खिलाफ धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा। अरे पोपटलाल भिड़े, आप लोग समझदार लोग, आप लोग क्या कर रहे हो? बिल्ली के लिए झगड़ा कर रहे हो इस तरह से? अरे इस बिल्ली के वजह से सुबह भिड़े भाई और जेठा भाई का झगड़ा हुआ और अब भिड़े भाई और पोपट भाई का झगड़ा हो रहा है। ये बिल्ली ने नाक में दम करके रखा है, ये बिल्ली सारे झगड़े का प्रसाद है। अरे अय्यर, झगड़े का प्रसाद कुछ नहीं होता है, शब्द होता है झगड़ा फसाद, और ये है झगड़े की जड़, रूट कॉज। समझ में नहीं आता सोसाइटी में बिल्ली आई कैसे। पापा देखो मैं क्या लाया, मुझे रास्ते पे मिली, क्या हम इसे रख सकते हैं?
मुझे पता है वो बिल्ली सोसाइटी में आई कैसे। कैसे? गोली बेटा, आज घर पर बिल्ली तुम ही लेकर आए थे ना? हाँ पापा, बिल्ली तो मैं ही लेकर आया था। हमारे मना करने के बावजूद तुमने बिल्ली को कहीं सोसाइटी में छुपा कर तो नहीं रखा है ना? ये बोलना कोई है? कम ऑन बेबी, जवाब दो। बिल्ली गोली नहीं, टप्पू से ना लाई थी। क्या? What? अरे? है? क्या? दोनों? कोकी? आपके मना करने के बाद हम सब जाकर सोसाइटी के बाहर उसे छड़के आए थे। अरे तो हो सकता ना कि तुम्हारे पीछे पीछे वो बिल्ली भी सोसाइटी में वापस आ गई हो। ये टप्पू, तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है सबको। टप्पू से ना क्या जरूरत थी उस बिल्ली को यहाँ लाने की? पोपट अंकल, ये वो बिल्ली नहीं है। वैसे भी एरिया में कितनी सारी बिल्लियां हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो बिल्ली नहीं है? हाँ बेबी। अरे भिड़े अंकल, हम जो बिल्ली लेकर आए थे ना वो ब्राउन एंड व्हाइट कलर की थी, और सोसाइटी में जो बिल्ली घूम रही है वो ग्रे एंड व्हाइट कलर की है। अच्छा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वो बिल्ली हो, है ना? भिड़े भाई, टप्पू सेना सही कह रही है, वो बिल्ली मैंने भी देखी। पकड़ने जाओ कि उसके पहले वो भाग गई। ओ, मतलब सोसाइटी में कोई दूसरी बिल्ली है। बिल्ली कोई भी हो, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता टूटा है, तो इस पर साइन करो और इस्तीफा दे। मैं नहीं करूंगा, बोला ना। अरे तुम्हारा दिमाग है ना, इस्तीफा देके तुम्हारा शरीर छोड़ चुका है। काय बोलते तू पोपटलाल? बिल्ली आई, लड़की गई, सेक्रेटरी इस्तीफा दो, काय चल रहा है? काय नहीं, उसके कहने का मतलब ये है भिड़े के किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, इसलिए वो। हाँ बराबर है। हाँ लाओ कांडी लगाओ, और कांडी लगाओ। कांडी ना? अरे नहीं नहीं, जेठालाल बराबर बोल रहा है, तू इस्तीफा देना भाई। पोपट भाऊजी, आप क्यों इनके पीछे पड़े हो? बिल्ली नहीं मिल रही, इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ पोपट अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ पोपट भाई, भिड़े भाई बिल्ली को ढूंढने के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं ना, वो अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। और वैसे भी क्या करे भिड़े, कोई भी क्या करे, बिल्ली बहुत चालाक और स्मार्ट जानवर होते हैं, उसे शेर की मौसी कहते हैं। अगर वो छिपने पे आ जाए ना तो आपको कई दिनों तक पता ही नहीं चलेगा, वो एक ही जगह पे छिपी रह सकती है। सही बात है भिड़े मास्टर, हमारे आसपास इतना शोर होता है और बिल्ली इतना स्लो बोलती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ छुपी है, इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? ऐसे ही मैं अपने रिश्तों को कैंसिल करने दूं? नहीं, आज मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। भिड़े तू इस पर साइन करके अपना इस्तीफा दे। मैं कितनी बार बोलूं पोपटलाल, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ठीक है तो मेरा धरना फिर से शुरू। पोपट भाऊजी, पोपट अंकल, तो यार ये क्या बात हुई भाई पोपटलाल, तुम भिड़े को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? आज पोपटलाल किसी की नहीं सुनेगा, इस्तीफा चाहिए मतलब चाहिए। भिड़ा दे देना भाई इसको लिख के। अरे दे दे क्या, दे दे ले क्या, दे दे ना, मेरी कोई गलती नहीं तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? अरे घर कागज पे कुछ भी लिख के दे देना भाई उसको। अरे
कुछ भी मतलब क्या? मैं जो लिख के लाया उस पर साइन करके दे। मैं नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। जब तक तू साइन करके नहीं देता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। पोपट भाई बहुत चिट्टी छे। हाँ? जिद्दी नहीं अड़ियल है। ठीक है अब देखो मैं क्या करता हूँ। तू की कर रहा है यार? तू शिक्षक है और तू किसी को चप्पल से मारे ये तुझे शोभा नहीं देता। हाँ। और ये रबड़ की चप्पल इससे नहीं लगेगा, चाहिए तो ये चमड़े का है मेरा चप्पल, वो ले ले। अरे जेठालाल मुझे चप्पल से मारना नहीं है, मेरे चप्पल मारने के लिए नहीं उठा है। तो फिर बताता हूँ, छोड़ो मुझे छोड़ो। ये बहुत आंदोलनकारी बन रहा है ना, अब इसको इसकी जबान में समझाता हूँ। क्या कर रहे हो? अच्छा बैठने के लिए स्लीपर निकाला, लहंगा सफेद है ना, बिगड़ा ही नहीं इसके लिए। वाह अब मैं तुम्हारे धरने के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। जब तक तुम मेरे इस्तीफे की मांग पीछे नहीं लेते मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहूंगा। अरे क्या हो गया दोनों को आज? भगवान पपड़लाल प्लीज मैं तुमको रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपना जिद छोड़ दो और आत्माराम का मांग भर दो। मांग भर दो? अरे भाई पोपटलाल को शादी के लिए लड़की चाहिए, लड़की से शादी करनी है। और ए भिड़े तो वैसे भी शादी शुदा है। और मान लो चलो पोपटलाल एक बार भिड़े के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मांग तो चाहिए ना, मांगी नहीं है। भरेगा कैसे? अरे क्या जयदलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो, मैं पवरलाल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम आत्माराम का मांग मतलब आत्माराम का जो डिमांड है ना वो पूरा कर दो। अच्छा नहीं, अगर भिड़े ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं इसका बहिष्कार करूंगा, सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरूंगा, भिड़े के बनाए एक भी नियम का पालन नहीं करूंगा। अहो अभी चलते हैं, सुबह शांति से बात करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे डटा रहूंगा, मैं हमेशा थोड़ी सबकी सुनूंगा। ये दोनों तो जिद पे अड़े बैठे, कोई मानने को तैयार नहीं है तो क्या करें? और हमको तो लगा आपके पास कोई सोल्यूशन है इसलिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया, उल्टा आप तो सवाल पूछ रहे। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं और उनके सामने बात नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ बुला के पूछ रहा हूँ कि अब क्या करें। हाँ पर उनको छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। डोंट वरी, इन दोनों का फैसला तो अब कोई बड़ा बुजुर्ग ही कर सकता है। हाँ इस प्रॉब्लम को तो अब कोई बुजुर्ग ही सॉल्व कर सकता है। बराबर। हाँ जीजा जी। अरे बबीता जी। अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि आप प्लीज चाचा जी को बुलाइए ना। हाँ ये ठीक रहेगा, जेठालाल चाचा जी की बात ये दोनों टाल भी नहीं सकेंगे। हाँ। नहीं लेकिन बापूजी को यहाँ नहीं बुला सकते। क्यों क्यों? बापूजी को बिल्ली के अजर ली है। अगर यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? हाँ यारो बिल्ली होती तो दिख नहीं जाती। सही बात है, हम लोग कब से यहाँ पे हैं? हमें बिल्ली दिखी नहीं ना फिर। हाँ बरोबर है जेठा भाई, बिल्ली तो यहाँ है नहीं तो चाचा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप प्लीज जाकर चाचा जी को लेके आइए ना वरना। हाँ हाँ ठीक है जेठा भाई, मैं बुला के लाऊं? हाँ ठीक है ले आ। बिना इतनी बेल क्यों बजा रहा है? कहीं चाचा जी सो तो नहीं गए? अरे अरे चाबी लेके चल। अब्दुल तू? हाँ मैं। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी मैं आपको मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ। अभी तक उनकी मीटिंग चल रही है, खत्म नहीं हुई?
अरे उन लोगों का टाइम की कोई समझ है कि नहीं? चाचा जी मीटिंग में झगड़ा हो गया, जो आप ही सुलझा सकते हैं। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। ये तो इतनी रात को मीटिंग रखते हैं, खत्म नहीं करते, ऊपर से झगड़ा करते हैं। अबे उनका मीटिंग का भूत उतारता हूँ। अरे 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 चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं, चप्पल पहनने गया था। चल अरे क्या हुआ, ये दोनों ऐसे क्यों बैठे? अरे क्या क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। अरे तो अब्दुल क्या बोल रहे? बोल रहे कि मीटिंग में झगड़ा हो गया। नहीं नहीं मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है बाबूजी। ये झगड़ा तो पोपटलाल कर रहा है भिड़े के साथ। डिब्बे क्या हुआ, ये भिंडी मास्टर के साथ झगड़ा क्यों कर रहा है? और ये क्या है, इतनी रात को मीटिंग बुलाता है, ऊपर से खत्म ही नहीं करता। चलो चलो भाई मीटिंग खत्म। मेहता साहब हमने तो चाचा जी को झगड़ा निपटाने के लिए यहाँ बुलाया था, ये तो यहाँ खुद झगड़े के मूड में आए हैं। अरे नहीं, कहा झगड़े के मूड का, घोषणा कर दी ना मीटिंग खत्म, इनकी बात नहीं टालेगा कोई। चलो चलो भाई चलो। हाँ, चलो भाई माफ कीजिए चाचा जी, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, मैं धरने पर बैठा हूँ। ठीक है बैठा रहे। ए भिंडी मास्टर तू उठ जाना भाई, तू क्यों उसके सामने बैठ गए? नहीं चाचा जी मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा, मैं इसके धरने के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ। तुम दोनों अगर अभी के अभी खड़े नहीं हुए ना तो मुझसे एकदम छिका छिक कैंप करे। फंस गए फंस गए फंस गए, अभी सबको पता चल जाएगा कि पॉम पॉम क्लब हाउस में है। हाँ अभी हमारी बेचारी पॉम पॉम पकड़ी जाएगी। बहुत छिका रही है बाबूजी। खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। बाबूजी का बिल्ली की आचर ली है। हाँ चाचा जी को तो बिल्ली से एलर्जी, और छींक रहे हैं चाचा जी, मतलब बिल्ली के आसपास है क्लब हाउस में। अरे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ चाचा जी को छींक आई। चाचा जी की छींक की वजह से पता चल गया कि बिल्ली यही आसपास में है। वाह चाचा जी वाह। पोपटलाल बापू जी इतनी तकलीफ में और तुम वाह वाह कर रहे हो। बापू जी अरे नहीं नहीं ब, 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 बिल्ली के मिलने की खुशी में वाह वाह कर रहा हूँ। चल 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 भिड़े, फटाफट बिल्ली को ढूंढ और सोसाइटी के बाहर छोड़ के आ। ये अच्छा मौका है यारो बिल्ली को पकड़ने का। आप लोग यहाँ पे बिल्ली को ढूंढिए, तब तक मैं चाचा जी को घर पे जाके दवाई देता हूँ। चलिए चाचा जी। अरे उस बिल्ली को जल्द से जल्द सोसाइटी चलो सब मिलके बिल्ली को ढूंढते हैं। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। हाँ चल चल चल। ओ टपू सेना तुम लोग क्या खड़े हो, चलो ढूंढो बिल्ली को। चलो चलो फ्रेंड्स बिल्ली बिल्ली ढूंढो। दोस्तों सच सच बताइए, आपको भी पम पम से इश्क हो गया है ना? कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मुश्क मतलब सुगंध, और टप्पू से ना को जो पम पम से इश्क हुआ है, उस इश्क की सुगंध चाचा जी तक पहुंच चुकी है। चाचा जी ने प्रारंभ कर दिया लगातार चीखना,
और सबको पता है कि ये चाचा जी इस तरह से तभी छींकते हैं जब आसपास कोई बिल्ली होती है, और सबने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये क्या होगा आगे, क्योंकि टप्पू सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है ये सोच के कि अगर सभी ने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है तो इन लोगों की पहुंच से दिल्ली, अरे मेरा मतलब बिल्ली दूर नहीं है, तो अब क्या होगा, क्या ये लोग बिल्ली को खोज पाएंगे मतलब बाकी सब लोग, और अगर बिल्ली को खोज लिया तो फिर क्या करेगी टप्पू सेना। भाई सबको पता चल जाएगा इन सब के पीछे टप्पू सेना है, तो क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.